दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की मूवी अर्थ के बारे में। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मूवी जो है वो आ चुकी है, आप जाके Zee5 पर जाके देख सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है। जैसे कि आपने इसका ट्रेलर और पोस्टर देखा होगा, जिसमें देख करके लग रहा था काफ़ी ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। और किस तरीके की राजपाल यादव की मूवी है, कोई भी उठा लो ज़बरदस्त रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम के बाद वो लीड रोल में देखने को मिले हैं, जो कि काफ़ी टाइम पहले देखने को मिले थे, काफ़ी टाइम लंबा टाइम के बाद वो लीड रोल में देखने को मिले हैं। और वैसे तो आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में कहीं भी कॉमेडी का नाम आता है तो राजपाल यादव का नाम सबसे पहले नंबर पे आता है, क्योंकि जब से वो बॉलीवुड में आए तब से कॉमेडी की नई लहर देखने को मिली है। जिस तरीके की उन्होंने पुरानी मूवी जितनी भी दी है, कॉमेडी से लेकर जितनी भी मूवी रही है उनकी, चाहे वो लीड रोल में रहे हो चाहे किसी भी तरीके से रहे हो, कॉमेडी से लेकर डायलॉग से लेकर के काफ़ी जबरदस्त रहे हैं और काफ़ी अच्छी मूवी भी रही है उसी को, तो उसी को लेकर के काफ़ी लंबे टाइम के बाद लीड रोल में वो देखने को मिले हैं। तो उसी तरीके की मूवी भी वो लेकर के आए, जिस तरीके से उसमें रियल लाइफ के बारे में दिखाया गया है कि कोई व्यक्ति जब मुंबई जाता है फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए तो उसको क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है और क्या करना पड़ता है, इस चीज़ को उस मूवी में दिखाया गया है। कि तो इस मूवी से सिवा होता है वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई की जाता है और मुंबई जाने के बाद उसको क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है, क्या होता है उसमें काम करने के लिए, कैसा काम मिलता है, और फैमिली को भी देख करके चलना पड़ता है, जो कि उनकी एक वाइफ उसमें दिखाई गई और उनका एक बच्चा। और उनकी वाइफ का रोल जो है वो रुबीना कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने टीवी सीरियल से लेकर यहाँ तक का सफर जो तय किया है वो काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों, हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि इस मूवी में कह सकते हैं एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्री का काला सच बाहर लाया गया है, कि इस तरीके से लोगों को दिक्कत होती है, किस तरीके से लोगों को दिक्कत उठानी पड़ती है। तो दोस्तों बात करें सिवा की, तो वो दिन में पार्वती बनकर के रहते हैं और काम को ढूंढने के लिए निकलते हैं और जिस तरीके से लोगों को आशीर्वाद देते हैं जाके, और उसके जितने भी पैसे उनको मिलते हैं, जितना भी मिलता है उससे ही अपने घर का खर्चा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो पढ़ाई से लेकर किसी भी चीज़ को लेकर उसको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, उसकी एक तरीके से देख रेख को लेकर के वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। जिस तरीके को लेकर वो काम पे निकल जाते थे और अपना काम भी देखते थे, पैसों को जोड़ करके अपना एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए वो काम पर लगे रहते थे, और उनको आगे चल के रोल मिल भी जाता है जो कि पार्वती के रूप में मिलता है, ना कि सेवा के रूप में। वो आगे मूवी बहुत ही जबरदस्त है, जिस तरीके उनके डायलॉग से लेकर कॉमेडी से लेकर हर चीज़ उसमें बहुत ही जबरदस्त रही है। और ज़्यादा बड़ी मूवी नहीं है, आप जाके देख सकते हैं, 1.5 घंटे की मूवी और जो फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई, उसका कोई चार्ज नहीं है, आप जाके देख सकते हैं Zee5 पर। जिस तरीके से 3 से 4 सेकंड की जो स्पीच है उसको सुनकर के आपको लगेगा, अगर राजपाल यादव को एक तरफ खड़े कर दिया जाए और बाकी लोगों को एक तरफ, तो 40% लोग उनको देख करके वैसे ही कम हो जाएंगे। जिस तरीके के उनके डायलॉग, कॉमेडी, जिस तरीके से फेस एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीजें आ जाती है, वो बहुत ही जबरदस्त है, उनके बराबर में मैं तो कहूंगा कोई भी नहीं है। तो दोस्तों अगर आप राजपाल यादव के फैन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बता देना। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। इसी के साथ नमस्कार।